धामनोद के मंगल नगर स्थित यूनियन बैंक से बिजली विभाग के रिटायर्ड बुजुर्ग कर्मचारी के 2 लाख अज्ञात लोगों के द्वारा घटना का मामला सामने आया है। घटना सोमवार करीब 3:15 बजे की बताई जा रही है। घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह साफ नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलझरा रहने वाले जगदीश चंद्र वर्मा 2 लाख की राशि जमा करने के उद्देश्य से यूनियन बैंक पहुंचे थे, किंतु जमा करने के दौरान बैंक पर्ची लिखते समय बुजुर्ग के साथ नाबालिग बच्चे ने ठगी की घटना को अंजाम दे दिया। फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं मौजूद उपभोक्ताओं ने बैंक प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। बैंक की शाखा में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। बताया जा रहा है कि बैंक में सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। बैंक में पैसा जमा करने के लिए इंडियन बैंक में और बैंक हफ्ते था मेरा, वहाँ जो पर्ची टंगी रही थी वो पर्ची निकालने के लिए हाथ पड़ा है मैं, तो एक हाथ से पर्ची निकल रही थी, मैं वो बैग हाथ छोड़ के दूसरे निकाला, इसलिए मैं उधर देखता हूँ और फिर देख जाऊँ। ये पैसे जमा करने आए थे बैंक में और इन्होंने बैंक में अपना जो थैला था वो रख दिया, कोई अज्ञात लड़का उठा के चला गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट दर्ज की। सर कितने रुपए बताए जा रहे हैं? 2 लाख।